शादी हुई, शोहर ने छोड़ दिया, घर गई, भाइयों ने निकाल दिया, भाभियों ने एक्सेप्ट नहीं किया। कितने साल रही शादी आपकी? शादी तकरीबन 10-12 साल। 10-12 साल। तो क्या हुआ, शादी क्यों ना चल सकी? मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मेका नहीं था। दूसरा ये कि कुछ जेवरात थे वो मेरे चोरी हो गए, वो मेके में आई हुई थी तो मेके से चोरी हुए वो। मेके से चोरी अच्छा। हुए। 4 साल से कोई भी नहीं है तो नहीं। तकलीफ का तो एक टाइम है, चाहे यहाँ पर हर सहूलत मिल रही हो। कहते ना कि मरे का सबर आ जाता है, जिंदा का सबर नहीं आता। बस ये तकलीफ होती है मुझे कि वो लोग सारे जिंदा हैं और फिर भी मुझे नहीं पूछते। इस टाइम मैं बिनते फातिमा होम्स में मौजूद हूँ। मेरे साथ आरफा मौजूद है जो पिछले कई सालों से यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तक आई कैसे है? शादी हुई, शोहर ने छोड़ दिया, घर गई, भाइयों ने निकाल दिया, भाभियों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्या कहानी है? इसी से पूछते हैं। आरफा, यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? 4 साल। 4 साल गुजर गए हैं। शादी तो हुई ना आपकी, हाँ जी कितने अलहमदुलिल्लाह। साल रही शादी आपकी? शादी तकरीबन 10-12 साल। 10-12 साल। तो क्या हुआ, शादी क्यों ना चल सकी? बस उसमें कुछ मुख्तलिफ वजूहत थी। एक तो मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मेका नहीं था। दूसरा ये कि मेरे कुछ जेवरात थे वो मेरे चोरी हो गए, वो मेके में आई हुई थी तो मेके चोरी से चोरी हुए मेके वो? से चोरी अच्छा। हुए। फिर वो जिसका नाम आ रहा था वो करीबी अजीजों में था, लेकिन मैं तो नाम लेना नहीं चाहती थी। अब ये तो नहीं बात के, तो वो उस वजह से वो एक भाई छूट गया, उसके ससुराली रिश्तेदारों में से नाम आ रहा था किसी का, तो वो भाई छूट गया हमारा। वो उस नाराज होके चला गया कि भाई मैं तो, और वो ससुराली तो वैसे बहाना तलाश कर रहे थे कि ये किसी तरीके से इनके घर में अलहदगी कोई हो जाए। अलहदगी हो जाए, हमारे बहन भाइयों में दरार आ जाए। तो फिर वो वही हुआ जो जो वो करते रहे। वो करने वाले ज्यादा जहीन थे, हम लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, बच्चे भी थे और इतने इंटेलिजेंट भी नहीं थे। मैं दुनिया की नौहम ही नहीं थी कि भी दुनिया में क्या कुछ होता है, ये सारे हमें नहीं पता थी। तो वो खातून तो पहले तो हमारे घर में काफी अरसा आती रही हैं, अम्मी की वालदा की कजन थी, और वो बहुत ज्यादा हमें नहीं पता था वो घर में घात लगा के बैठी हुई है कि भी मैं इस तरह। तो मैं तो बिल्कुल बच्ची भी थी और अनजान भी थी, मुझे हालात का नहीं पता था, अंदाजा नहीं था हालात का है। तो फिर वही हुआ जो उसने चाहा कि भी बेटा खींच लिया, तोड़ भी लिया फैमिली से कि तो भी शोहर से अलहदगी क्यों हुई है? यही वजह ना, जेवरात चोरी हो गए और वो फिर जॉब छूट गई मेरी, जॉब छुड़ा के मुझे वापस ले गए क्या घर। जॉब करती थी मैं आप? स्कूल टीचर थी। अच्छा, तो औलाद नहीं है आपकी? अच्छा, औलाद नहीं हुई तो 10-12 साल वेट करते रहे, औलाद भी ना हुई, लड़ाई झगड़े भी रहे और बीच बीच में चलता भी रहा कि ठीक है। लेकिन ये है कि वो इन आनी जानी में मैंने फिर, वो उसने कहा कि मैंने दूसरी शादी करनी है, फिर मैंने कहा कि ठीक है आप शादी कर लो, मैं नहीं रहूंगी। तो वो जिसने रिश्ता करवाया था वो मेरी जिठानी थी, मेरी कजन थी, वो उसके देवर से मेरी शादी हुई थी। वो फिर वो बेचारी भी परेशान अपनी जगह पे कि हमारी फैमिलियों में कभी किसी ने डिवोर्स ना ली मतलब है ना इतने साल आपने इतने मुश्किल टाइम गुजारा, गुजारा। उसके बाद दूसरी शादी, हाँ वो जी, चीज़ बर्दाश्त नहीं नहीं हुई। वो जाहिर कैसे बर्दाश्त हो सकती और थी। फिर एक वहां ये कि बंदे में खराबी भी ना हो, फिर खराबी हो तो फिर है ना, उसने तो मुझे धमकी दी ना सिर्फ, तो मैं भी सीरियस हो गई। मैंने कहा ठीक है करके देख ले फिर शादी, तो मुझे तो पता था शादी का अंजाम क्या होना है। तो लेकिन बहरहाल मैंने ज्यादा नहीं ये किया, मैंने कहा मैंने वहां से निकली तो भाई के घर आके कुछ अरसा रही, मैंने भाई से कह दिया कि मैंने नहीं जाना अब वापस। तो उसने कहा ठीक है, किस तरीके से डाइवोर्स हुई ये बाद की कहानी है कि वो बस हो गई। और मैंने फिर जॉब कर ली, हॉस्टल वार्डन की जॉब करती रही हूँ मैं काफी, 10-15 साल मैंने वो जॉब की। तो बस इस तरह से टाइम स्पेंड हो गया। और जॉब जब खराब हुई है मेरी, खत्म हुई है, कुछ फंडिंग इशू भी था वहां पर जहाँ मैं जॉब कर रही थी, फंडिंग इशू भी था, गवर्नमेंट से फंड्स लेते थे वो लोग और इस तरह से, तो एनजीओ टाइप ही थी वो भी, तो वो ना फंडिंग का इशू हुआ तो वो, और उधर से कोरोना के भी थोड़े बहुत झटके शुरू हो गए लगने। तो फिर वो ये कि जॉब खराब हो गई तो फिर मैं भाई के घर आई, तो पहले बहन के घर गई, बहन वही ने घर से निकाल दिया। तो वो मेड के घर में पूरा 1 साल रही, उनकी मेड के अच्छा, घर पूरा आप साल। एक मेड के घर में रही? हाँ जी, मेड के घर में रही। उसने वैसे अच्छा सलूक ही किया मेरे साथ। फिर मैंने भाई को मैसेज किया, उसने कहा कि आ जाओ। जब उसने कहा कि आ जाओ तो मैं फिर आ गई। तो फिर कुछ अरसा ही गुजरा था तो रमज़ान शुरू हुआ, तो भाई भाभी ने कहा कि मैंने नहीं रखना आपको। वो भी बस कमीनी सी बात है, बात तो बहुत छोटी सी थी जिससे उसने भी फसाद शुरू कर दिया। तो मेरे पैसे थे तो वो चोरी हो गए, तो वो भाभी ने भी निकाल दिया। भाभी ने भी निकाल यहाँ दिया। तक कैसे पहुंची फिर आप? तो वो नीचे जो किराएदारनी थी ना उसने मेरे पे मुझे इधर छोड़ा। अब कितने, 4 साल हो गए हैं आपको यहाँ पर? 4 सालों में कभी कोई मिलने नहीं आया? नहीं, कजन्स आती हैं मिलने चलने, कजन्स आके लोग देखभाल के चली जाती हैं मुझे कि कैसी हो क्या आरफा, हालात ईद का है। त्योहार, रोजे, अपनों की बहुत याद आती है। बिल्कुल।
आप के तो 4 साल से कोई भी नहीं है, नहीं तो है। तकलीफ का तो एक टाइम है, चाहे यहाँ पर हर सहूलत मिल रही वो हो। कहते हैं ना कि मरे का सबर आ जाता है, जिंदा का सबर नहीं आता। बस ये तकलीफ होती है मुझे कि वो लोग सारे जिंदा हैं और फिर भी मुझे नहीं पूछते, तो मैं ये बात भी नहीं सोचती कि मुझे पूछें या ना पूछें, खुद खुश रहें बस। लेकिन ये है कि बस अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। हमारे तो बल्कि ज़्यादा समटाइम्स खुशी होती है ईद में, हमारे इतनी अच्छी सेलिब्रेशन होती है, बारबेक्यूज वगैरह होते हैं और फिर सारे हम लॉन में बैठ के गाने गाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। ये हमें सारी चीज़ें क्या आपके अपनों की कमी पूरी कर देती है? नहीं, जब ये दिल में एहसास हो जाए ना कि है ही कोई नहीं, तो फिर हो ही माँ जाता बाप है। के होते शायद ये सलूक ना हाँ होता आपके ना, साथ, बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप का ही सबसे बड़ा। लेकिन फिर भी भाइयों ने नहीं सोचा कि हम बाहर अपनी बहन को घर से बाहर निकाल रहे हैं, ये तो बाहर उनकी दुनिया सोच में क्या पर, होगा। ये तो उनकी सोच पर डिपेंड करता है ना, उन्होंने क्या सोचा और क्या नहीं सोचा। इस तरह की बेशुमार कहानियां यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपना घर बार जिनके अपने घर वालों ने इनको छोड़ दिया, सब कुछ खत्म हो गया और अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारने के लिए मजबूर हैं ये लोग। चाहे यहाँ पर हर सहूलत मिल जाए, लेकिन फिर भी जो घर वाले हैं, जो अपना खून है, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, उसकी कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता, और ये एक हकीकत है। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।